डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछले क्लास में कंडीशन पढ़ा था कि प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ दी एचपी एंड वीपी। आज कंडीशन है जो हमारा लेक्चर नंबर 104 है कि प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी। वीपी से तो परपेंडिकुलर है बट पैरेलल टू एचपी है। किस तरह से, जैसे ये देखिए अभी क्या है, ये पैरेलल टू एचपी, एचपी के पैरेलल है नहीं, और ये परपेंडिकुलर टू वीपी। ये सारे कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं। एचपी वीपी का कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। ये अपना एचपी था और ये वीपी था, यही है ना। कंडीशन क्या है, प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी, परपेंडिकुलर टू वीपी है कि नहीं, एंड पैरेलल टू एचपी। ठीक है, अब बनाएंगे कैसे। तो अब इसका टू शेप कहां दिखेगा, सबसे पहले ये ध्यान देना है कि प्लेन का टू शेप कहां दिखेगा। यही दिख रहा है ना, प्लेन का टू शेप, ठीक ना। अब यदि ये जो है ऐसे दिखा, अब ये है कि इस प्लेन का ये क्या है, वीपी यानी कि एचपी पे ही रखा हुआ है या एचपी से ऊपर है, ठीक ना। प्लेन क्या है, एचपी के ऊपर है। जितना एचपी से ऊपर होगा उतना एक्स वाई के ऊपर बनेगा, यदि एचपी पे होगा तो एचपी पे ही बनेगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए हेक्सागन ऑफ साइड 30 mm व्हिच इज परपेंडिकुलर टू वीपी, ठीक ना, व्हिच इज परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। अब हेक्सागन है, यही है ना हेक्सागन, यही हेक्सागन है। अब ये क्या है, परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी, ठीक ना। अब ये ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, ठीक ना। तो अब जब ऐसे है और इसको जब ऐसे करेंगे एचपी के लिए, क्योंकि यदि एचपी है तो ये ऐसे है, ऐसे है, इसको जब ऐसे करेंगे तो ऐसे बनेगा, और जब इसको हम ऐसे रख लें, ठीक ना, और तब करेंगे तो ऐसे बन जाएगा हेक्सागन। तो अब सवाल यह है कि हेक्सागन कौन सा हेक्सागन बनाना है, दिया है क्या क्वेश्चन में, बिल्कुल नहीं दिया है। जब नहीं दिया है तब तो आप इंडिपेंडेंट हैं, कोई भी बना सकते हैं, ठीक ना। क्या बताए थे तरीका हेक्सागन बनाने का, याद रखिएगा, क्योंकि अब हम तो शॉर्टकट में बनाएंगे हेक्सागन डायरेक्ट, लेकिन एक तरीका बता देते हैं। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, यदि 30 mm का है तो 30 mm का एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, और वर्टिकल वाला हेक्सागन बनाना है तो वर्टिकल वाला लाइन ले लीजिएगा। जितना का रेडियस का आप लिए हैं वही रेडियस कंपास पे रख करके यहां से इधर कट कीजिएगा, और यहां से इधर, फिर यहां रख करके इधर और इधर इधर, और इन सबको मिला दीजिएगा आप, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, दिस 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 दिस, ये हेक्सागन हो गया। नेम भी कर लीजिए, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। और ये बन गया आपका, ये प्रोजेक्टर ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पे, इसका क्या नाम हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, इसका क्या हो जाएगा, सी डैश, और एफ डैश, इसका क्या हो जाएगा, ई डैश और डी डैश। बन गया आपका प्रोजेक्शन, ये तो आपका एक्स और वाई था, ठीक है, बन जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में, ठीक ना, ध्यान दीजिए, इसी क्वेश्चन में आपको बोल रहा है, ठीक ना, कि ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए हेक्सागन ऑफ साइड 30 mm व्हिच इज परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू पैरेलल एंड 30 mm अबव द एचपी, अबव द एचपी, ठीक ना। दैट मींस कि जो ये आपका हेक्सागन था, ठीक ना, ये एचपी से 30 mm अबव है, इसका फ्रंट व्यू कहां दिखेगा, एक्स वाई से 30 एबव। तो यहां पे बनाएंगे तो यही हेक्सागन, ठीक ना, लेकिन ये 30 डिस्टेंस भी तो लेना है, ये 30 डिस्टेंस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया आपका 30 और ये हो जाएगा अब आपका ए डैश। ये क्वेश्चन नंबर टू है, ये क्वेश्चन नंबर टू का हो गया, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, अब ये सी डैश F डैश और ये E डैश और D डैश हो जाएगा। तो ये जो है आपका, अब क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर टू ये ऊपर ले लेंगे, क्योंकि क्या दिया है, 30 above the HP, ठीक है। उसी तरह से एक क्वेश्चन और आइए बना देते हैं इस पे, ठीक ना, अच्छा सा क्वेश्चन। ड्रॉ दी, क्या बोल रहा है, ड्रॉ दी प्रोजेक्शन ऑफ पेंटागन, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ पेंटागन
ऑफ 30 mm साइड, 30 mm साइड सच दैट इट्स प्लेन इज पैरेलल टू एचपी एंड वन ऑफ इट्स एज प्लेन इज पैरेलल टू एचपी एंड वन ऑफ इट्स एज इज परपेंडिकुलर टू बीपी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कई सारा कंडीशन बन सकता है, ये आपका क्या है पेंटागन है। ठीक है, अब बोल तो रहा है कि ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ पेंटागन। ठीक है ना, ये पेंटागन होगा तो अब ये तो सही है, ये लाइन बनेगा इस पे, लेकिन जब टॉप व्यू देखेंगे और जब बनाएंगे आप पेंटागन, तो ऐसे भी बना सकते हैं पेंटागन। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं कि ए बी सीधा ऐसे और ऐसे। तो अब सवाल है कि कौन सा बनाएंगे, ये दिया है वन ऑफ इट्स एज इज परपेंडिकुलर टू बीपी, कि जब ऐसे रखेंगे तभी तो ये एज आपका क्या होगा परपेंडिकुलर टू बीपी, है कि नहीं। देखिए यहाँ पे ये जो एज है आपका लाइन जो है परपेंडिकुलर टू बीपी है कि नहीं, इसके अलावा और कोई लाइन परपेंडिकुलर टू बीपी हो ही नहीं सकता है। यदि हम इसको ऐसे बनाएंगे तो कोई लाइन परपेंडिकुलर टू बीपी होगा क्या, कोई भी एज परपेंडिकुलर टू बीपी होगा क्या, नहीं होगा। जब नहीं होगा तो हमारी मजबूरी है कि इस तरह से बनाएं, और इस तरह से बनाएंगे तो ये क्या हो गया आपका पेंटागन। अब पेंटागन बनाने का फॉर्मूला आपको बता चुके हैं कैसे, जैसे 30 mm साइड का दिया है तो 30 mm साइड का कर लेंगे, यहाँ पे ले लिए ये बताए थे, और जितना भी लेंथ दिया है उसका डेढ़ गुना। ये लेंथ कितना दिया है दोस्त आपको 30, इसके मिड पॉइंट से डेढ़ गुना मतलब कितना हो जाएगा 45, और यही 30 कंपास पे 30 लेंगे और यहां से आर कट कर देंगे, यहां से आर कट किए फिर यहां रख करके इस आर कट कर दिए, फिर यहां रख करके आर कट किए, फिर यहां रख करके इसी आर को कट कर दिए, और तब इसको जो है क्या कर देंगे मिला देंगे। ठीक है, नेमिंग कर दीजिए बच्चों का ए बी सी डी और ई, हो गया कि नहीं। अब जो है ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो गया। अब इसका फ्रंट व्यू कहां जाएगा, फ्रंट व्यू जस्ट इसी के ऊपर, ये आप इसको करेंगे देखेंगे ये सी और ई एक ही लाइन में बिल्कुल जा रहा होगा, ये जब आप देखेंगे ये क्या है बिल्कुल एक ही लाइन में जा रहा होगा, ये क्या हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश, ये क्या हो जाएगा सी डैश ई डैश, और ये क्या हो जाएगा डी डैश, ये लाइन हो गया आपका, हो गया कि नहीं, ये हो गया आपका फ्रंट व्यू। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, जो क्वेश्चन होगा प्लेन परपेंडिकुलर टू बीपी एंड पैरेलल टू एचपी। अब इसी पे ये तो अभी हमने सिंपल जो है कॉन्सेप्ट बताया, इसी के आगे जो है अब जस्ट उल्टा बताएंगे, प्लेन पैरेलल टू बीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी। ठीक ना, तो वो अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो जस्ट नेक्स्ट वीडियो देखिए जहां पे कि आपको मिलेगा ये पैरेलल टू बीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी। यहां तक देखने के लिए धन्यवाद, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते।